दोस्तों, मैं रमेश कुमार सिंह। दोस्त, आप देख रहे हैं राज न्यूज के रियल। दोस्तों, आज अपनी टीम पहुंची है धुलेपुरा में और यहाँ पे विशाल प्रोग्राम है। एक बालाजी महाराज का प्रोग्राम है और स्थानीय विधायक जी के क्षेत्र से काफी संख्या में लोग पहुंचेंगे अपने साथ। जो यहाँ पे प्रसादी बनाने वाली टीम है हलवाई जी, मेरा नाम दीपक शर्मा है। सर, कितने के लोगों का प्रोग्राम है और कितने दिन से तैयारियां कर रहे हो आप? सर, यहाँ पे ये प्रोग्राम 3 दिन से चल रहा है और ये 25,000 आदमियों का प्रोग्राम है, जिसमें दाल बाटी चूरमा और मिर्ची के ट्रिपोले, ये हमने सामान बनाया है यहाँ पे और अभी भी सामान लगातार बन रहा है और कार्यक्रम चल रहा है बनाने का। कितने कर्मचारी है जो काम कर रहे हैं यहाँ पर? लगभग ये मान के चलो हमारी 40 आदमी की टीम लग रही है इसको बनाने में। प्रसादी लगभग एक बज चुका है, अभी शुरुआत हो चुकी है, कितने बजे तक चलेगी प्रसादी? तो ये मान के चलो 10-11 बजे पहले पूरी नहीं होगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी की पधारने की संभावना है। प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियों में लगा हुआ है और लगभग 12 बज चुके हैं। अभी यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग हैं जो महादेव सिंह जी के प्रशंसक हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं। अपने साथ कुछ यहाँ पे बुजुर्ग दादाजी भी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। दादाजी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? राम नारायण चौधरी। दादाजी, क्या प्रोग्राम है? कहीं बालाजी का प्रसाद बोला हुआ था हमारा, इसलिए वो कर रहे हैं। कितने के लोगों की पहुंचने की संभावना है और कहां कहां से लोग पहुंचेंगे? लोग तो चोमू चोमू सुलेर पूरा खंडेला वंडेला हर जगह से पहुंचेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी पहुंचने की संभावना है, कितने उत्साहित हो आप? खूब, हाँ बाबूजी तो खूब। हाँ, प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रहा है। सर, माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे दौरा फिक्स हुआ है, उसको लेकर कितने उत्साहित हैं लोग उनके लिए? खूब उत्साहित हैं, खूब खुश हो रहे हैं। हमारे विधायक साहब जी बहुत ही लोकप्रिय हैं और उनको मतलब देखने के लिए भी खूब लोग आ रहे हैं, प्रसाद पाने के लिए खूब लोग आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। कितने पहले से ही मंदिर बना हुआ था या अभी बनाया गया है? ये बहुत ही पुराना है और बहुत पुराना मंदिर है, शुरू से ही MLA साहब की आस्था रही है इस मंदिर के प्रति। जैसा कि खंडला विधानसभा से काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं, जनप्रतिनिधि भी पहुँचे हैं, आम जन भी पहुँचे हैं, अपने साथ ग्राम पंचायत रामप्राची सरपंच साहब हैं, इनसे जानना चाहेंगे। सरपंच साहब, आज यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है, कब सूचना लगी थी? सर, नाइट को मेरे को सूचना लग गई थी कि मुख्यमंत्री जी का प्रस्तावित दौरा शाम को 4 बजे धुलेपुरा में है। कल रात को ही सीकर आ गए थे, कल सीकर में भी 2-3 प्रोग्राम थे, नाइट को सीकर सर्किट हाउस में रुके थे और अब बीकानेर में है और 4 बजे का प्रोग्राम यहाँ धुलेपुरा में है। कितना के उत्साहित हैं लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा? कहीं ना कहीं सौभाग्य की बात कहूँगा खंडला निवासियों के लिए। लोगों को ये सुनकर के सीएम साहब यहाँ धुलेपुरा पधार रहे हैं तो बहुत लोगों में खुशी है और जैसे लोगों को इस चीज़ का पता चला तो लोग मतलब धुलेपुरा की तरफ उमड़ पड़े हैं। कितने अपने साथ सरपंच साहब, इनसे भी जानेंगे। सरपंच साहब, कितने के लोगों के पहुंचने की संभावना है और अभी जैसे 12 बज चुके हैं, लोगों का जमावड़ा काफी संख्या में? रात के सर में आवा सरपंच बोल रहा हूँ, रात के 12 बजे तक ये जमावड़ा अब तो कुछ नहीं है, थोड़ी देर बाद में आप देखना बहुत ज्यादा भीड़ लगेगी और सारे गाँवों से जितने विधानसभा क्षेत्र के 45 गाँव 2 नगरपालिका है सबके एक बात बोलो, किसी घर से कोई आदमी नहीं बचा। सरपंच साहब, चुनावी साल है, कहीं चुनावी फंडा तो नहीं है ये तो हर साल हर वक्त हर आप जब भी होते हैं ना, ये कई बार हो गया, ये चुनावी बात नहीं है सर, ये तो इनकी आस्था है। बाबा विश्वम्भर दास में और बजरंगबली में हर साल हम तो दो तीन साल से स्वामी का प्रोग्राम चलता रहता है। अपने साथ जो धाम है जहाँ पे प्रोग्राम है, अहमद साहब, इनसे भी जानना चाहेंगे। जय सियाराम महाराज। जय सियाराम, जय सियाराम। क्या प्रोग्राम है, कितने दिन से प्लानिंग की जा रही थी यहाँ पे? ये तो देखिए, हमारे साहब का बहुत बड़ा वो है, हनुमान जी की कृपा है साहब के ऊपर। हमारे साथ जो ये क्षेत्र के है ना, ये हमारे साहब के जैसे नेता भी नहीं है यहाँ क्षेत्र में। साहब बहुत दिलदार हैं और ये हमेशा धर्म के काम करते हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आपको कब सूचना लगी? हमारे को तो सुबह ही सूचना लग गई थी। कितनी उत्साह से है यहाँ की जनता बात करें? यहाँ की जनता बहुत उत्साह में है और यहाँ सब लोग सोचते हैं कि बढ़िया मुख्यमंत्री जी आए हमारे आगे से लोकसभा और भी ध्यान दें भाई, यहाँ विकास हो। यानी धुलेपुरा में ये जो मंदिर है इसमें आज ही लोग पहुँचे या हर बार यहाँ पे पहुँचते हैं? नहीं नहीं, हमेशा आते हैं, यहाँ हमेशा आते हैं। तो जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया कि मंत्री जी की इस धाम से प्रति आस्था है और यही वजह है कि इन्होंने जो प्रोग्राम कहीं ना कहीं आज से 15 दिन पहले से युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही थी, कल माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा होने के बाद इस पे कहीं ना कहीं 4 चांद लग गए हैं और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचने वाले हैं।